मोस्ट मिस्टीरियस फोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के 6 तिलस्मी किले। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया जो सिर्फ संस्कृति और कला तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये राजा सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत और भी जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में ही एक रहस्य है। 6. चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है वो पहाड़ी मानव चरण के आकार जैसी प्रतीत होती है और इसी वजह से इस किले का दूसरा नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल कई शासकों से लेकर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया, और इन शासकों के बाद इस किले पर अकबर और शेरशाह सूरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया। इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा एवं अन्य किबंदितियों द्वारा कहा जाता है कि योगिराज व्रतहरि ने इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। चुनारगढ़ का किला भारत का सबसे तिलस्मी और रहस्यमय किला है और इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट में मिलता है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलस्मी को समझा जा सकता है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह का चिन्ह या संकेत है। इस किले ने प्राचीन समय से ही अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवी के आनंद खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतित के कारण मिली है, क्योंकि इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ ही है। इस किले में बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं का वास है और ये किला काफी डरावना भी है। आज के समय में बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसलिए ये किला पूरे भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध है। 5. शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक है, जो कि भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। ये किला 1828 तक मराठाओं के अधिकार में रहा और इसका सौंदर्य ही इसकी बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इसका एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया और इस आग का लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ चीखता है और ये आवाज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था और इसी राजनीतिक दांव पेंच और सत्ता की लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं और कहते हैं कि काका माला बचावा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। बताया जाता है कि इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे और एक दिन सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेला पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। 4. रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिचंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। ये बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी आन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में एक पहाड़ी पर निर्मित है। ये किला समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था, जिसकी चार दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची हैं और ये भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले की एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी,
क्योंकि कई स्थानीय लोगों और अनेकों किंवदंतियों द्वारा कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी, जिसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। आज से करीब 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का वर्णन उन्होंने अपने एक स्वलिखित दस्तावेज में किया, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है, और उनकी इस बात को वहां की जनता कई लोग आज भी सच मानते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस महल से भूतिया आवाजें भी आती थी, पर आज भी दीवारों से खून और आवाज क्यों आते हैं ये कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहिताश्व की आत्मा घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाजें निकालती है। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून क्यों आता है। इस किले की सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता, और इसलिए ये किला आज भी लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। 3. ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ग्वालियर का प्रमुख स्मारक है। ये किला प्राचीन मध्य भारत की अद्भुत कारीगरी और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, ये किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासक ने किया था, और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 सालों तक राज किया। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जो कि बहुत ही पुरानी और मूल्यवान हैं। साथ ही इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है, और इन दीवारों पर बहुत ही प्रबल और कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही सादी हुई नक्काशी की गई है। दोस्तों, ये किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया था। कई खोजकर्ताओं और इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें और तहखाने भी हैं, और कहा जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। इस किले में ऐसी बहुत सी सुरंगें हैं जो अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहां जाता है इसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इस किले की सुरंगों का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था, और ये अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। प्राचीन लेखों और इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, पर इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। वो बात है कि इस किले के निर्माण की अवधि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले का निर्माण जिनों द्वारा एक रात में किया गया था, इसलिए आज भी इस किले में लोग रात में जाने से डरते हैं। कई लोग बताते हैं कि ये किला बहुत ही रहस्यमय है और जिन आज भी इसमें छिपे खजाने की रक्षा करते हैं, पर आज तक इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये किला एक रात में बनाया गया या कई दिनों में, पर आज भी ये स्थानीय लोगों के बीच बात विवाद का विषय बना हुआ है। 2. तालबेहट का किला। तालबेहट का किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1618 में कराया गया था। ये किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। तालबेहट शहर इस झील जितना बड़ा है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब वह महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। ये किला एक बहुत ही शांत जगह पर निर्मित हुई जिसके आसपास जंगल है। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है और इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी ये कहानी आज भी तालबेहट के लोगों को डरा देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं, और इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां, जिनकी पूजा इस गांव की औरतें द्वारा की जाती है। जब साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे, वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक ओर जहाँ मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के इस इलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। इस त्योहार पर नेग मांगने की रस्म होती थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेग मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। प्रहलाद के इसी घिनौने कृत्य की वजह से इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी, और उसी दिन से इस महल में इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और गांव का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं जाता। 1. गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गाँव में स्थित है, और कहा जाता है कि ये किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। ये किला चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है,
पर जैसे ही कोई इसके नजदीक जाता है तो ये किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह डरावना इसलिए है क्योंकि यहां बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी, और आज भी लोग बताते हैं कि यहां कोई रात में नहीं जाता। इस किले का एक किस्सा आज भी प्रचलित है जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार इस किले में पूरी बारात गायब हो गई थी जो अब तक वापस नहीं लौटी। वो लोग कहते हैं कि जब एक रात इस गांव में बारात आई तो उस बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए और वो लोग बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। इतना डरावना होने के बावजूद भी ये पर्यटकों की भारी भीड़ से भरा रहता है और लोग यहाँ इसके रहस्य को जानने दूर दूर से आते हैं। ये किला वाकई में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। धन्यवाद।